एवरीवन, मैं मनीषा राव आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल स्टडी जर्नी में। देखिए फ्रेंड, चंडीगढ़ टीजीटी पीजीटी की जो भी वैकेंसीज हैं, आप सभी लोगों को पता लग चुका है कि आपका जो चंडीगढ़ पीजीटी का एग्जाम है वो आपका 10 फरवरी को है और चंडीगढ़ टीजीटी का भी आपके फरवरी में होने के ही चांसेज है, जिसके फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। साथ में आप लोगों का चंडीगढ़ पीआरटी का भी एग्जाम है, स्पेशल एजुकेटर का भी एग्जाम है। तो जो चंडीगढ़ टीजीटी और पीजीटी के अंदर जो सिलेबस आना है उसको मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आई बटन में आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, पहले आप उसको जाकर के देख लीजिए, क्योंकि आपको किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले उसका सिलेबस है वो पता होना जरूरी होता है। तो मैं सिलेबस को, टीचिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस को, आईसीटी के सिलेबस को, हिंदी इंग्लिश के सिलेबस को, सबको वन बाय वन आप लोगों के सामने डिस्कस कर चुकी हूं, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगी। तो आज की ये हमारी जो वीडियो रहने वाली है, ये चंडीगढ़ टीजीटी पीजीटी पीआरटी सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, जिसके अंदर हम दीक्षा ऐप को पढ़ने वाले हैं। आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर जो सिलेबस दिया गया है, एक बार मैं आपको वर्बली बता देती हूँ कि क्या क्या आपके टॉपिक्स दिए गए हैं। एक आपका दिया गया है पेडागोजी ऑफ टीचिंग, उसके साथ में आप लोगों का एक एडोलेसेंस वाला चैप्टर दिया गया है पीजीटी के लिए, उसके साथ में एनईपी 2020, एनसीएफ 2005 और साथ में आप लोगों की दीक्षा, स्वयं और स्वयं प्रभा, ये कुछ एप्स भी दी गई हैं। तो मुझे लगा कि ये सैड टॉपिक आप लोगों के लिए न्यू है, आप लोगों ने नहीं पढ़ रखे होंगे, तो चलिए इनको स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूं, अगर आपको वीडियो समझ में आती है, कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो। अब देखिए फ्रेंड, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो हमारा दीक्षा पोर्टल है, तो देखिए जो दीक्षा है, दीक्षा आपके सिलेबस में दे दिया गया भाई दीक्षा। अब दीक्षा होती क्या है, अब ये दीक्षा क्या है भाई, एक ऐप है आपकी, ठीक है, एक पोर्टल है दीक्षा, जो है एक पोर्टल है, एक ऐप है दीक्षा की। दीक्षा की जो फुल फॉर्म है पहले उसको समझिएगा, वहीं से आपके लोगों के क्वेश्चन बन जाएंगे। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, यानी एक प्रकार का डिजिटल मंच प्रोवाइड करता है दीक्षा, जहां पे क्या कर सकते हैं भाई, नॉलेज की क्या हो सकती है, शेयरिंग हो सकती है। दीक्षा की फुल फॉर्म भी आप लोगों को याद रखनी है, हो सकता है एग्जाम में आप लोगों से सीधा फुल फॉर्म ही पूछ ले कि दीक्षा की फुल फॉर्म क्या होती है, स्वयं की फुल फॉर्म क्या होती है, तो फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। दीक्षा की फुल फॉर्म हो जाएगी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, कि नॉलेज शेयर करने के लिए वो एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको एक डिजिटल मंच प्रोवाइड करता है। मेनली जो दीक्षा है, मेनली कब स्टार्ट किया गया आप लोगों को ध्यान रखना है, कब स्टार्ट किया गया भाई, 5 सितंबर 2017 में, 2017 में स्टार्ट किया गया था। उस टाइम पे जो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति थे, आई थिंक मैं गलत नहीं हूं, तो 2017 में हमारे जो उपराष्ट्रपति थे वो वेंकैया नायडू जी थे, तो उन्होंने इस ऐप को स्टार्ट किया था। 5 सितंबर 2017 को स्टार्ट किया गया था भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप पता है कहां कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि जो मेनली जो आप देखोगे दीक्षा को, जो ज्यादा जिसका यूज हुआ है, जब ये मतलब आप लोगों का पॉपुलर हुआ दीक्षा, वो किस टाइम पे हुआ, कोविड के टाइम पे हुआ, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है भाई कोविड के टाइम पे लॉकडाउन लग गया था, सब कुछ सिस्टम था, वो सारा कहां से चल रहा था भाई, घर से चल रहा था। तो वहां पर उस टाइम पे बच्चों की एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए, टीचरों को और ज्यादा अपने फील्ड में अच्छा डेवलप करने के लिए, किसका जो दीक्षा है उसका ज्यादा से ज्यादा यूज किया गया था, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बाकी इसकी जो शुरुआत है आप लोगों की 5 सितंबर 2017 को की गई थी, ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप वहां पर इस पॉइंट को लिख सकते हो। अब देखिए फ्रेंड्स, ये किस किस का इनिशिएटिव है, ये दो जो इसके अंदर हमारे जो मेन जो इनिशिएटर है वो हमारे कौन कौन है, फर्स्ट है हमारी एनसीईआरटी, सेकंड है हमारा एजुकेशन मिनिस्ट्री, जो हमारा शिक्षा मंत्रालय है वो, और जो हमारी एनसीईआरटी है वो, उन दोनों की एक पहल है आपका दीक्षा। ओके, एक दीक्षा की टैगलाइन भी है, ये भी आपको जरूर याद रखनी है, ये भी एग्जाम में आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि दीक्षा की जो टैगलाइन है वो क्या है, नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर आवर टीचर्स, हमारे टीचर्स के लिए। अब देखो आप लोगों ने क्या देखा भाई, इसकी जो दीक्षा की जो फुल फॉर्म थी वो देखा, क्योंकि दीक्षा तो एक एक्रोनिम है। ओके, अब आपने दीक्षा की क्या देखी, टैगलाइन देखी, तो आप लोगों को ये सब समझ के ही समझ में आ गया होगा कि दीक्षा का जो आविष्कार किया गया था, दीक्षा को जो शुरू किया गया था, क्यों शुरू किया गया था, शिक्षकों की जीवन शैली को डिजिटल बनाने हेतु, जो शिक्षक है हमारे, जो टीचर्स है उनके लिए शुरू किया गया था, जो शिक्षक है उनकी जीवन शैली है, उनकी जो लाइफ स्टाइल है, उनको ज्यादा से ज्यादा डिजिटलाइज किया जा सके, उनको सारा जो कंटेंट है वो डिजिटल फॉर्म में इस ऐप के ऊपर अवेलेबल हो जाए, इसलिए दीक्षा को स्टार्ट किया गया था।
आपकी एनसीईआरटी साथ में जो आपका शिक्षा मंत्रालय है उन दोनों की एक संयुक्त पहल थी। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। साथ में जो एनसीईआरटी का जो कंटेंट है इसके ऊपर आपको किस फॉर्म में मिलता है ये भी आप ध्यान रखेंगे। ई कंटेंट फॉर्म में आपको जो मटेरियल अवेलेबल है वो ई कंटेंट फॉर्म में अवेलेबल है। आपको हिंदी, इंग्लिश और साथ में वर्नाकुलर लैंग्वेज में भी जो चैप्टर्स है वो आपके ऊपर इस ऐप के ऊपर अवेलेबल है, तो आप लोग उनको देख भी सकते हो। दीक्षा की एक ऐप भी है, उस ऐप को आप अपने फोन में भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, क्लियर है यहां तक? अब देखिए फ्रेंड्स, क्या बताया मैंने आपको, भाई दीक्षा है वो एक इनिशिएटिव है, किस किस का? एनसीईआरटी का और आपका एजुकेशन मिनिस्ट्री का, जो किस लिए शुरू किया गया था? जो शिक्षक है, टीचर्स है, उनकी जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए इसको शुरू किया गया था। जो एनसीईआरटी है वो यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश और साथ में वर्नाकुलर लैंग्वेज में भी ई कंटेंट की फॉर्म में अवेलेबल है टीचर्स के लिए भी और साथ में स्टूडेंट्स के लिए भी। अब देखिए फ्रेंड्स, सिर्फ इसका मकसद ई कंटेंट अवेलेबल करवाना ही नहीं है, बाकी इसमें और क्या क्या जोड़ा गया है, आपके जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं, हैंडआउट्स हैं, ट्रेनिंग सेशंस हैं, सपोर्ट मटेरियल है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स है, यूज ऑफ स्ट्रेटजीज, हैंडबुक्स, एक्टिविटी बुकलेट्स। यानी जो टीचर है उसको और बेहतर किस प्रकार से, अब टीचर से क्या चलती है भाई, वो और बेहतर आउटपुट दे पाए, टीचर्स की क्या होती है, ट्रेनिंग्स होती हैं, टीचर को और क्या यूज करने पड़ते हैं, टीएलएम यूज करना पड़ता है, हैंडआउट्स बनाने पड़ते हैं, हैंडबुक्स रखनी पड़ती है, तो उन सभी चीजों की जानकारी अपनी जो दीक्षा ऐप है इसके ऊपर अवेलेबल है। टीचर्स को इसके माध्यम से टाइम टाइम के ऊपर टीचर्स को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है। तो आप ध्यान रखेंगे, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि सिर्फ जो एनसीईआरटी है उनका कंटेंट ही दीक्षा पर अवेलेबल है, नहीं, उसके अलावा टीचर्स को क्या करना है भाई, टीचर्स की लाइफस्टाइल है उसी को ज्यादा प्रमोट करती है हमारी दीक्षा ऐप। तो जो टीचर्स के लिए जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होते हैं, साथ में हैंडआउट्स होती है, टीचर्स को टाइम टाइम पर ट्रेनिंग सेशंस, ये सारी चीजें, टीएलएम, ये सब कुछ प्रोवाइड है दीक्षा के ऊपर। तो फ्रेंड्स, ये एक आप लोगों का दीक्षा के बारे में, इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि कुछ पूछा जा सकता है। साथ में ये भी पूछा जा सकता है कि जो आपकी जो दीक्षा के जो निष्ठा स्कीम हो गई, सफल स्कीम हो गई, वो किसके इनिशिएटिव है, तो आपकी दीक्षा के ही है जो आगे आगे आप लोगों के और लॉन्च हुए हैं, लेकिन ये सभी आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में क्या है, दीक्षा है। तो दीक्षा के बारे में जितने भी पॉइंट्स बन सकते थे मैंने सभी आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों का कोई 1% डाउट रहता है तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि कॉमेंट बॉक्स में आप लोगों का जवाब दे पाऊं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और फटाफट से टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस के लिए या फिर हमारा जो जनरल सेक्शन है उसकी क्लासेस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर चंडीगढ़ पीआरटी टीजीटी पीजीटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।